सो है गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल मेडिको मेडिक आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहा हूँ वो है रेडॉक्स रिएक्शन इसमें कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनमें आप ऑक्सीजन स्टेट नॉर्मल निकालते हैं तो वो नहीं आती उनके लिए आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए तभी आपका सही आंसर आएगा तो ये बहुत लोग गलत होते हैं तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ वीडियो में आई वॉन्ट यू गाइज टू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ताकि मेरी ट्रिक्स जैसे ज़्यादा लोगों तक पहुँचे उनको प्रिपरेशन में हेल्प हो तो हम टारगेट रखते हैं ट्वेंटी लाइक्स का लेट स्टार्ट प्लीज़ आपको अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा तो हम लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अब मैं कुछ ऐसे ऐसे दो पूछे जाते हैं एग्जाम्पल उसके बारे में वीडियो बना रहा हूं, जो जो नॉर्मल आपकी स्टेट की बेसिक नहीं निकलता तो स्टार्ट सबसे पहले हम करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन एस टू एस फोर ओ सिक्स तो इसके लिए हमको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा तो सल्फर की आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए कि वो छह बॉन्ड बनाता है सल्फर और ऑक्सीजन सल्फर से हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ता है तो इससे आपको स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प होती है कुछ पॉइंट है तो उसका स्ट्रक्चर बनाओ एस डबल बॉन्ड ओ डबल अब आप सोचिए क्या करें तो ये yes. ये होता है स्ट्रक्चर ये होता है एस एच टू एस फोर ओ सिक्स का स्ट्रक्चर तो आप इससे अपनी ऑक्सीजन स्टेट बता सकते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को नेगेटिव देते हैं और मोर पॉजिटिव को वो तो जो ये वाले बीच के दो सल्फर हैं उनकी ऑक्सीजन स्टेट जीरो हो गई और एंड के दो हैं उनकी फ़ाइव हो गई तो अगर ये सेपरेटली पूछे तो बताओ इस वाले का क्या है अंडरलाइन करके तो फाइव फाइव बोलेंगे लेकिन अगर अब वो एवरेज पूछे तो हम एवरेज कैसे निकालेंगे जितने भी सल, जितने नंबर ऑफ़ पूरी ऑक्सीजन सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम तो फाइव प्लस ज़ीरो प्लस जीरो प्लस फाइव डिवाइडेड बाई फोर तो टेन बाय फोर तो आंसर फाइव बाई टू तो फाइव बाई टू वो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आती है और अगर वो अलग अलग पूछे तो आप नहीं बता पाओगे इसके लिए हमको स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए तो ये हो गया पहला एग्जाम्पल अब हम नेक्स्ट बताएंगे जो नीट में पूछा गया था शायद ये टू में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन ब्रोमिन की बी आर थ्री ओ एट में इसके लिए भी स्ट्रक्चर पता होना चाहिए तभी आप नीट में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे और ये एनसीईआरटी में भी मैंशन है तो प्लीज मेक श्योर कि आप इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी जरूर पढ़ें और जो भी डाउट हो आप मुझे पूछे चलो तीन इसका स्ट्रक्चर होता है ये बी आर तीन जुड़े होते हैं सिंगल बॉन्ड से फिर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़े होते हैं हर एक बी आर से बस ये देखिए मैं स्क्रीन पर बना रहा हूँ आपके लिए अब आप वो बताइए अब इसमें जो अब ये पूछेंगे इसमें दो टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है बीच वाला जो ब्रोबीन है उसमें प्लस फोर और जो एंड के दो हैं उसमें प्लस सिक्स अब आप पूछोगे प्लस सिक्स कैसे आ रही है देखो ओ से यहाँ प्लस टू तीन ओ हैं तो माइनस टू माइनस टू दो बॉन्ड जुड़ रहे हैं एक बॉन्ड से हम एक एक सिंगल बॉन्ड को हम वन ऑक्सीडेशन स्टेट मानते हैं तो ये माइनस टू माइनस टू माइनस टू तो ये प्लस टू प्लस टू प्लस टू तो ये सिक्स साइड में हो गए दोनों में और बीच में दो ऑक्सीजन है और जो सेम एलिमेंट होता है उनकी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती इसलिए प्लस फोर तो दो ऑक्सीडेशन स्टेट है सिक्स या फोर लेकिन आप अब जो सॉल्व करके निकालेंगे वो ये वाली आएगी टोटल ऑक्सीजन स्टेट एवरेज ऑक्सीजन स्टेट सिक्स प्लस फोर प्लस है डिवाइडेड बाय तो ठीक है ये करेक्ट आंसर नहीं है अनलेस उन्होंने एवरेज ऑक्सीजन स्टेट मेंशन किया हो ठीक है अब ऐसी एक और क्वेश्चन है एक और एग्जाम्पल है कैल्शियम सब क्या फॉर्मूला होता है सी इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूछा जाता है ये तीन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से और ये ये तो बीच वाले कार्बन इसकी भी दो ऑक्सीजन स्टेट है बीच वाले की जीरो हो गई क्योंकि ये है और साइड वालों की दो हो गई तो अब टोटल कितनी हो गई टू प्लस टू प्लस जीरो बाय थ्री तो फोर बाय थ्री इज द करेक्ट आंसर ठीक है ऐसी एग्जाम्पल नंबर फोर्थ कारोज एसिड एस टू एस ओ फाइव ये भी याद भी नाम भी याद रखिए साथ में क्योंकि नाम भी पूछ लेते कि इनमें से ओलियम कौन है एस टू एस ओ फाइव कौन है मैं बताऊंगा आपको ठीक है अब इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है एस ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें परऑक्साइड लिंकेज अब ये पूछेंगे इसमें से परऑक्साइड लिंकेज किस में है तो इसमें है कारोज एसिड में ये इसका स्ट्रक्चर यह बनता है ये लिंकेज दो ऑक्सीजन ये स्ट्रक्चर आप इस, ऐसे बना सकते हैं आप सोचिए वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है सल्फर की छः छः एलेंसी आप उस हिसाब से स्ट्रक्चर बना सकते हैं इसके अलग से वीडियो में बताऊंगा कि स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं अभी मैं बस आपको ये समझा रहा हूँ कि ये एग्जाम्पल आप याद करके जाइए आपका निकलेगा और स्ट्रक्चर क्योंकि ये थोड़े सेपरेट हैं डायरेक्ट आपके कॉन्सेप्ट से निकलेंगे कि मैथमेटिक्स से इसमें स्ट्रक्चर याद होना ज़रूरी है अब याद करके जाइए स्ट्रक्चर तो अब इसमें एवरेज ऑक्सीजन स्टेट आएगी और इसमें पूछ लेते हैं सल्फर की तो प्लस सिक्स है सीधे सीधे ऊपर से प्लस टू प्लस टू और यहाँ से माइन प्लस वन और प्लस वन तो प्लस टू फोर प्लस टू यहाँ क्योंकि ओ OH एच से मिलेगा प्लस वन ओ से भी मिलेगा प्लस वन क्योंकि परोक्साइड लिंकेज है और जो डबल बॉन्ड से ओ जुड़े हैं उससे प्लस टू और प्लस टू तो प्लस टू प्लस टू और प्लस वन प्लस वन तो ये प्लस सिक्स हो गई लेकिन अब इसमें पूछते हैं कि तुम एवरेज ऑक्सीजन स्टेट एवरेज ऑक्सीजन स्टेट बताओ ऑक्सीजन की तो जो परॉक्साइड लिंकेज से जुड़े हैं उनकी तो माइनस वन माइनस वन और जो डबल बॉन्ड से जुड़े हैं उनकी माइनस टू ठीक है तो एवरेज ऑक्सीजन स्टेट हो गई माइनस टू माइनस वन माइनस बाई थ्री इक्व टू माइनस फोर बाय थ्री ठीक है अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यह है सी आर ओ फाइव इसका पूछते स्ट्रक्चर क्या है बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर इसमें आप नॉर्मली निकालेंगे चलो एक्स माइनस टू इंटू फाइव करें टेन तो ये तो प्लस टेन आ रही है ये तो गलत हो गया इतनी हो ही नहीं सकती तो ये क्यों ऐसा क्योंकि इसमें परऑक्साइड लिंकेज है वैसे आप नॉर्मली निकालोगे तो इसकी वो आएगी टेन क्योंकि क्रो क्रोमियम की आप डी ब्लॉक से देखोगे तो प्लस सिक्स मैक्सिमम ऑक्सीजन होती है उससे ज्यादा हो ही नहीं सकती तो ये क्यों आ रही है क्योंकि ये गलत है क्योंकि ये स्ट्रक्चर से सॉल्व होगा इसका स्ट्रक्चर असल में ऐसे होता है इसको हम बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं तो इसकी एवरेज ऑक्सीज अब इसमें एवरेज ऑक्सीट क्या होगी ऑक्सीजन की माइनस टू माइनस वन माइनस लिए बोलूँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है माइनस वन माइनस वन बाय पाँच ऑक्सीजन है ना एक दो तीन चार पाँच वन वन इसलिए पर लिंकेज वाले जितने भी वन वन है और जो डबल बॉन्ड्स है उसका लिए माइनस टू तो आंसर हो गया माइनस सिक्स बाय फाइव ठीक है तो इसमें क्रोमियम के ऑक्सीजन स्टेट प्लस सिक्स है और ऑक्सी ऑक्सीजन की एवरेज माइनस सिक्स बाय फाइव एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल एन ए टू एच टू ओ थ्री ठीक है दो एग्जाम्पल और रह गए बस फिर उसके बाद आपके सारे जो बाहर के क्वेश्चन है वो सब खत्म हो जाएंगे एन ए टू एच टू ओ थ्री तो इसमें सल्फर एक और सल्फर से कोआर्डिनेटली बॉन्ड है मैं आपको बता दूँ इसमें क्या होता है इस वाले स्ट्रक्चर में इसमें ओ एन ए मतलब कोई भी पॉजिटिव ओ एन ए या ओ एच भी बोल सकते हो आप इसमें मैंने एनए मान लिया अगर एच टू टू ओ थ्री तो ओ एच आ जाएगा ठीक है तो ये, ये जो सल्फर है ये जो बीच वाला है ये दूसरे सल्फर को और एक ऑक्सीजन को अपने लोन पेयर डोनेट कर देता है तो ऐसे जो बीच वाले सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट आती है वो प्लस सिक्स आती है रिमेंबर रिमेंबर इट ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीच वाले ऑक्सीजन जो सल्फर है उसकी प्लस सिक्स है और जो साइड वाला है उसकी माइनस टू है तो एवरेज कितनी आएगी प्लस सिक्स माइनस टू बाई टू इक्वल्स टू टू तो आप आंसर निकालोगे नॉर्मली तो ये टू आएगी लेकिन ये सही बात नहीं होगी वो एवरेज है बीच वाले एक सेंट्रल एटम पूछ लिया अगर आपने टू बोल दिया तो गलत हो गया सेंट्रल एटम में प्लस सिक्स है और जो साइड वाला है उसकी माइनस टू है तो आप कर रहे हैं तो फिर उसको हम एवरेज निकाल रहे हैं तो वो टू आ रही है ठीक है अब लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट एस टू एस टू ओ एट मार्शल्स ठीक है मार्शल एसिड का स्ट्रक्चर याद कर लो निकल आएगा ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है ओ फिर बीच में परऑक्साइड लिंकेज दो बार और फिर ये एंड में तो अब आप वैसे सॉल्व करो प्लस टू प्लस टू प्लस वन प्लस वन तो यहाँ के भी दोनों सल्फर की प्लस सिक्स है ठीक है तो अब इसमें सल्फर की बोलोगे तो प्लस सिक्स है क्योंकि दोनों की सेम है तो एवरेज का मतलब ही नहीं रहता ठीक है तो दैट्स इट इस 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 टिक में इस इनऑर्गेनिक के इस चैप्टर में इस पोर्शन में मैं को इसलिए मैंने बनाया क्योंकि लोगों को इन सब जो कॉन्सेप्ट concept और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो बाहर के जो स्ट्रक्चर से सॉल्व होते हैं वो भी लोग नॉर्मल सॉल्व कर जाते हैं और गलत हो जाते हैं क्वेश्चन तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको आप स्ट्रक्चर से ही सॉल्व कर सकते हो इसलिए मैं आपको स्ट्रक्चर बना बना के एक एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन करी है तो आप इसको अच्छे से करीजिए और आपको कोई भी डाउट हो बताइए ऐसे में इस चैप्टर में और भी वीडियो लाऊंगा कुछ एग्जाम्पल मुझे और मिले इस टाइप के तो ज़रूर लाऊंगा तो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन और आपके लिए ऐसी वीडियो आती रहेंगी सो स्टे थ्री